हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एग करी, और मैं जो एग करी बनाऊंगी वो बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और ये जितना टाइम कम लेती है बनने में ये उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, इसके अंदर मैंने डाल दिया तेल। तेल मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, और साथ में ही मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन भी मैंने मोटा मोटा काट के डाला है, और फिर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज लंबे कटे हुए। तो इनको हमें साथ में भूनना है अभी 2-3 मिनट के लिए, जब तक थोड़े हमारे जो प्याज हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट होंगे तब तक इसको भूनते जाएंगे। तो आपको ऐसे भूनना है, और ये हमारे ऑलमोस्ट प्याज जो हैं भून चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर काट के डाले हैं, तो क्योंकि हम इसका मसाला सारा लास्ट में ग्राइंड करेंगे, तो आप इसमें टमाटर भी मोटे मोटे डाल देना। तो इसको भी हम इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो हमें जो है जो टमाटर हैं इनको, इनकी जो स्किन है उसको हमें थोड़ा सा इसको गलाना है, और साथ में मैंने डाल दिए हैं 7-8 काजू। तो इसको भी हम काजू को इस मसाले के साथ ही भून लेंगे। तो इसको भी ऐसे मिक्स कर लिया। अब मैंने डाल दी हैं धनिया की डंडियां स्टिक्स, जो नीचे का पार्ट होता है हमारे धनिया का, वो मैंने स्टिक्स डाल दी हैं। इनमें बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है आपकी ग्रेवी के अंदर। तो इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये हमारे टमाटर और सारा मसाला हमारा पक जाए, अच्छे से गल जाए। तो ये ऑलमोस्ट, ये मेरा मसाला जो है ये गल चुका है। तो इसको अभी 2 मिनट और ढक देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो गाइज, ये मसाला बन चुका है। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स में ये मसाला रेडी हो जाता है। तो ये रेडी हो चुका है। तो आप इसको ऐसे प्रेस करके देख लेना, अगर आपके टमाटर जो हैं वो पिस अच्छे से प्रेस हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका मसाला डन है। अब हम नेक्स्ट जो हैं अपने एग्स को रेडी कर लेते हैं। ये मैं बॉयल्ड एग्स ले रही हूँ गाइस, और मैं बॉयल्ड एग्स को ऐसे कट लगा रही हूँ नाइफ के साथ। आप चाहे तो फोक के साथ भी इसको प्रिक कर सकते हो। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो भी मसाला है वो बिल्कुल एग्स के अंदर तक जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी आपकी अंडा करी और भी टेस्टी बनती है। तो मैं सारे एग्स को ऐसे कट्स लगा लूँगी। मैंने न्यू पैन ले लिया है, इसके अंदर पहले मैंने अंडे रख दिए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना, क्योंकि हम इनको हल्का हल्का जस्ट फ्राई करेंगे। फ्राई करने से एक इसका ऊपर की गोल्डन स्किन आ जाती है एग में, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है एग करी के अंदर। अब आपको इन एग्स को जस्ट 1/2 मिनट के लिए ही इनको पलटते जाना है, और इसके अंदर हल्का सा फ्राई करना है। तो जैसे ही ये थोड़े से हल्के हल्के गोल्डन होने लगेंगे, ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन होने लग गया है, दैट मीन्स ये फ्राई होने शुरू हो गए हैं। जब एग्स फ्राई होते हैं तो उनकी अलग सी एक आवाज़ आने लगती है। तो इसको ऐसे हिला हिला के आप फ्राई कर लीजिए, और इसको बिल्कुल जलने नहीं देना एग्स को। तो एग्स बन चुके हैं, अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं मसाले। अब सबसे पहले मैंने डाल दी है देगी मिर्च बिल्कुल अंडों के ऊपर। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। तो ऐसा करने से एग्स का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत सुंदर दिखते हैं एग्स। और साथ में डाल दिए थोड़ा सा नमक, और इसको भी हम ऐसे हल्का सा जस्ट 1/2 मिनट के लिए मसाले के अंदर एग्स को फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा सारा मसाला जो है एग्स को लग जाए। तो आपको ऐसे अच्छे से हिला के इनको ऐसे फ्राई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं एग्स, कलर कितना अच्छा है एग्स का। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसका मसाला मैंने मिक्सिंग जार में निकाल लिया है, और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है तेज पत्ता और एक दालचीनी की स्टिक। तो इसको आपको सिर्फ 2-3 सेकेंड के लिए फ्राई करना है,
और मैंने डाल दिया है ये 7 से 8 काली मिर्ची और साथ में 2 लौंग भी डाले थे। जैसे ये हो जाएंगे और उसके बाद मैंने डाल देगी मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर सारा मसाला जो हमने पीस के रखा था वो सारा मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो गाइज इसमें मसाला जो है थोड़ा सा जार को भी लग जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से क्लियर आउट करके आप इसके अंदर डालिए, वेस्ट हमने कुछ नहीं करना है। सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला इसके अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और मसाला निकल आया है इसमें से, तो इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। देखिए पानी अच्छे से मैंने इसको क्लियर आउट कर दिया है, तो इसको अब हम कर देंगे मिक्स। तो गाइस देखिए मैंने इस ग्रेवी के अंदर कोई स्पेशल मसाले नहीं डाले, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डाली है। ये बहुत ही अच्छी डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी बनती है ग्रेवी एग करी की। और मैंने अब डाल दी है लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, हरी मिर्ची आप इग्नोर भी कर सकते हो। और मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून काली मिर्ची। आप अपने हिसाब से मसाले इसके अंदर ऐड या स्किप कर सकते हो। और फिर मैंने इसके अंदर 2 हैंड्स के साथ क्रश करके डाल दिया है कसूरी मेथी। अब इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूंगी। जैसे ही सारे मसाले इसके साथ मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर मैं डाल दूंगी अभी जो हमने एग्स फ्राई करे थे वो डाल दूंगी। तो आपको ऐसे अच्छे से एग्स को हिलाकर सारा मसाला इनके ऊपर लपेट कर डालना है ऐसे। और ये जो पैन में मैंने कर रहा था मसाला, इसमें एग्स बनाए थे तो वो उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। बस इसको हम कर लेंगे मिक्स। गाइज ये वाली एग करी बनाना बहुत ही ईजी होता है, ये हार्डली आपके 20 मिनट में ये वाली एग करी बनके रेडी हो जाती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बस इसको आप ढक दीजिए, ढकने के बाद आप इसको 10 मिनट या 5 मिनट तक देखते रहिए एक बार खोल के। तो अगर आपको लगता है कि मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है, दैट मीन्स आपकी सब्जी रेडी है। अगर वो तेल नहीं छोड़ रहा है तो उसको फिर से ढक के, मगर इसको आप सिम पे बनाइए। सब्जी जो भी होती है वो हमेशा सिम पर ही ऑयल सेपरेट आउट करती है। तो मैंने इसको फिर से ढक दिया है 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के, उसके बाद मैंने इसको ओपन किया है तो इसमें थोड़ा सा इसने तेल छोड़ना छोड़ दिया है। अब मैंने डाल दिया ऊपर से गरम मसाला। गरम मसाले का तो अब वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। गरम मसाला डालने के बाद हमें इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देना है। तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है देखिए। और ऊपर से डाल दिया है धनिया के पत्ते हरे हरे, पहले हमने स्टिक्स डाल दी थी अब हमने डाल दिया लास्ट में पत्ते। तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस एग करी को जरूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you in next videos with more recipes. Till then, stay tuned, stay healthy. Bye.